पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की भारत की नीति से पाक पूरी तरह से तिलमिला गया है और अब खबर है कि पाकिस्तान भारत की स्ट्रेटजी का जवाब देने के लिए नए रास्ते खोज रहा है। उरी हमले के बाद भारत समेत 5 देशों ने इस्लामाबाद में होने वाले सार्क समिट का बायकॉट कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान अब भारत के दबदबे वाले सार्क के मुकाबले नया इकोनॉमिक ग्रुप बनाना चाहता है। पाक मीडिया में छपी एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान चीन के साथ साउथ एशियन इकोनॉमिक अलायंस बनाना चाहता है। डॉन में छपी रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में मौजूद पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ने इस नए फ्रंट को खड़ा करने का खुलासा किया है। पाकिस्तानी सांसद मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि दुनिया में साउथ एशिया उभर रहा है, इसमें चीन, ईरान और आसपास के पड़ोसी देश शामिल हैं। ऐसे में सभी देशों को साथ लाया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान के एक अन्य डिप्लोमेट ने बताया कि ये प्लानिंग पाक को दुनिया से अलग थलग करने की भारत की स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए है। इससे नवाज सरकार को काफी मदद मिलने की उम्मीद है। एक तरफ पाकिस्तान भारत के प्रभाव के काट में लगा है तो दूसरी तरफ खबर ये भी है कि चीन दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान की पैरवी कर सकता है। आपको बता दें कि यह समिट 15 और 16 अक्टूबर को गोवा में होने वाला है। देखते रहिए टीवी लाइव।